फ्रेंड्स, छठी कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, जो यूनिट 5 है, चैप्टर 5 है आपका, उसका जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों का वर्गीकरण, जिसके ऊपर पहले भी वीडियो हम देख चुके हैं, जो कि हमारा त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर था। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल होते हैं कोण, क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण ट्राइंगल मैंने त्रिभुजों का, कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे और उनका वर्गीकरण करेंगे, किस आधार पर करेंगे, वो कोणों के आधार पर हम त्रिभुजों का वर्गीकरण करेंगे। त्रिभुजों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण, नंबर 1 एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट का मतलब यहां पे न्यून और एंगल मतलब कोण ट्राइंगल। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट मैंने 90 डिग्री, समकोण एंगल्ड ट्राइंगल। तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस का मतलब यहां पे अधिक कोण त्रिभुज। तो बारी बारी से करके हम एक एक करके इन ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल है वो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अ ट्राइंगल हैविंग ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ऐसी त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, ईच मैंने प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री से कम हो। त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे न्यून का मतलब कम, कोण 90 अंश से कम, ऐसी त्रिभुज जिसका 90 अंश से कम कोण होगा उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर रखी है, किस प्रकार हम बनाएंगे एक न्यून कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हमारे पास स्केल, स्केल की सहायता से हम एक लाइन त्रिभुज की फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका नाम दे देंगे हम ए बी। अब इस ए बी भुजा के ऊपर हम डी की सहायता से कोण बनाएंगे। हमारे पास 90 अंश डिग्री से अंश कोण कम होने चाहिए, तो हम मैं यहाँ पे 50 अंश का कोण इस प्रकार हम डी रख लेंगे, डी, और यहाँ पे 50 अंश यहाँ पे निशान लगा लिया। और दूसरी तरफ 60 अंश का कोण, यहाँ पे 60 अंश का कोण, यहाँ पे हम 50 अंश का कोण बना रहे हैं, और यहाँ पे 60 अंश का कोण। तो 60 अंश का कोण किस प्रकार, ये मैंने डी ली, इसका जो सेंटर पॉइंट वो बी पॉइंट से मैच किया, और यहाँ पे एंगल की काउंटिंग की, यहाँ पे 10, 20, 30 और 60, जहाँ 60 नजर आ रहा हो वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे स्केल की सहायता से इन भुजाओं को मिला दूंगा। ए बी सी, और सी के ऊपर बनने वाला कोण, अगर हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट इज 180 डिग्री, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल ए 50 अंश है, तो एंगल बी, एंगल ए 50 अंश, एंगल बी 60 अंश, और तीनों का योग 180 होना चाहिए। तो हमारे पास 50 और 60 110, 110 और 70, तो यहाँ पे 70 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा, तीसरा कोण 70 अंश का कोण सी। अगर हम इसे देखना चाहें, इसकी चेक करना चाहें कि ये 70 अंश का कोण ही बना, या तो हम डी की सहायता से इसे नाप सकते हैं। यहाँ पे सेंटर पॉइंट मैच किया पॉइंट सी से, फिर मैंने 0 वाला पॉइंट, तो यहां से हम देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जहां 70 का हमें दिखाई दे रहा है वहां पे मैच कर रहा है। तो इस प्रकार हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऐसी त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों कोण, प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होने चाहिए, 90 अंश से कम। और इसी प्रकार मैंने दूसरी जो ट्राइंगल ड्रॉ कर रखी है, इसमें भी मैंने ये छोटे आकार की है, बना किस प्रकार से हम, इसमें कोणों का माप अलग से है। तो यहां पहले एक साइड, इसके ऊपर मैंने 40 अंश का कोण जो है डी की सहायता से बनाया हुआ है, और तीसरी साइड
सप्तरंश। यहां बनने वाला कोण और यहां बनने वाला कोण 40 अंश का है और यहां बनने वाला कोण 70 अंश का है। 40 और 70 110, 110 और 70, तो ऊपर भी 70 अंश का कोण बनेगा। इसका नाम हम दे देंगे PQR। अगर किस प्रकार न्यून कोण त्रिभुज है तो हम इसमें माप सकते हैं कि ये कोण 10, 20, 30, 40 है। और दूसरे वाला कोण Q पॉइंट के ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ऊपर बनने वाला कोण भी 70 अंश का है, 70। तो इस प्रकार हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बना सकते हैं। दूसरा है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसकी परिभाषा, अ ट्राइंगल हैविंग एनी वन एंगल इज ए राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 अंश के कोण को ही हम राइट एंगल कहते हैं। तो ऐसी त्रिभुज, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक कोण, कम से कम एक कोण जो है उसका वो 90 अंश का होना चाहिए। त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 90 अंश हो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। तो यहां मैंने ड्रॉ कर रखी है, हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर भी जो दो इस प्रकार के ट्राइंगल दी होती हैं वो हमारे पास एक जिसका एक कोण जो है वो 90 अंश का होता है। तो इस प्रकार हम इसको रख लें, तो हमारे पास तो यहां बनने वाली जो ट्राइंगल है जिसका एक कोण कितने का है, 90 अंश का है। और जो दो अन्य कोण हैं वो ने हम डी की सहायता से माप लेंगे। तो जब डी की सहायता से हम इस कोण के ऊपर मापेंगे, इसका नाम रख लेंगे हम एक्स, वाई और जेड। हम जेड वाई पॉइंट के ऊपर अगर हम डी को रखें तो 0, 10, 20, 30, 40 और 5, 45, तो यहां 45 अंश का कोण बन जाएगा। जब 90 और 45, 135, 135 और 45 कितना हो जाता है, 180 अंश का कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार ये एक्स वाई ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। दूसरी जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो दूसरी जो ट्राइंगल होती है वो इस प्रकार होती है, इस प्रकार हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। तो इसको हम इस प्रकार रखें, तो हमारे पास एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल प्राप्त हो जाएगी। जिसका एक कोण 90 अंश का है, इसका नाम दे देंगे हम MNO, ट्राइंगल MNO जिसका एक कोण 90 अंश का है। और D की सहायता से हम जब इस कोण को मापेंगे तो हमारे पास M पॉइंट के ऊपर जब मैं D रखूंगा तो 10, 0, 10, 20, 30, यहां पे बनने वाला कोण 30 अंश का है। 90 और 30, 120, तो तीसरा जो कोण होगा वो 60 अंश का होगा। तो इस प्रकार एक दोनों त्रिभुजें जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएंगी। पहचान, जिनका एक कोण जो हो वो 90 अंश का होना चाहिए। ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। तीसरी जो भुजा है वो है एब्ट्यूस, एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, विषम कोण त्रिभुज जिसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अ ट्राइंगल हैविंग एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण ग्रेटर देन बड़ा हो 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से बड़ा हो उसे हम, त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 90 अंश से अधिक हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज और एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहेंगे। तो
तो यहाँ बनाने का तरीका वही दोबारा स्केल की सहायता से हम एक साइड लेंगे, एक साइड ले ली, फिर इसके ऊपर हम डी की सहायता से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे 120 अंश का कोण। इसका नाम पहले ए बी सी, यहाँ पे बी के ऊपर हम पॉइंट रख लिया मैंने डी, तो यहाँ पे 0, 10, 20, 30 करते हुए हमारे पास 120, 120 का जो यहाँ पे 120 यहाँ लगा देंगे टिक और इसको मिला देंगे। जहाँ है पॉइंट वहां पे सी और ए और सी को मिला के 20 अंश का कोण यहाँ पे बन गया 10-20। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी इज ए ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, जिसका एक कोण जो है एंगल बी जो है वो 120 अंश का है, जो कि 90 अंश से अधिक है। तो यहां बनने वाला कोण 120 अंश का, ए के ऊपर बनने वाला कोण 20 अंश का, तो 120 और 20 40, 40 और 40, 140 और 40 हो गए 180 अंश। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होना चाहिए। तो ए कोण ये अधिक कोण है, तो अधिक कोण त्रिभुज इसे कहेंगे। इसी प्रकार दूसरी जो त्रिभुज है उसको इस प्रकार बनाया गया है, एक लाइन पी क्यू। अब डी की सहायता से हम पी के ऊपर ऐसे प्रकार डी रखेंगे या प्रकार की सहायता से, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 से अधिक 100 और 110। तो यहां पे बनने वाला कोण जो हो जाएगा वो 110 अंश का बन जाएगा, 110 अंश का। फिर जो पॉइंट बी है वहां पे मैंने 33 अंश का कोण बना दिया, 0, 10, 20, 30, 30 और 3 पार्ट आगे 33 अंश का कोण, यहाँ पे 33 अंश का कोण और इसको मिला दिया। तो जहां मिलेगा वहां पे बनने वाला कोण जो होगा वो कितने का होगा, 37.5 अंश का कोण बनेगा। तो हम इसे माप सकते हैं डी की सहायता से, 10, 20, 30 और 5 और 2 7, तो 37 अंश का कोण। तो यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इज ए ऑब्ट्यूस ट्राइंगल हूज एंगल पी इज इक्वल टू 110 डिग्री, जो कि एक अधिक कोण है, यहाँ पे 120 अधिक कोण है। तो ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल अर्थात अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। यही कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण था। थैंक यू।